हाय स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद करती होंगी कि इस ठंडी के मौसम में आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और साथ ही साथ आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी के यानी कि जो 10th बोर्ड 12th बोर्ड में है उनकी एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ गई है। मैं समझ सकती हूँ कि आप सभी को कहीं ना कहीं डर लग रहा होगा। इस बात का नहीं कि डर किसी चीज़ से नहीं, इस बात का कि जो मैंने याद कर रखा है एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा, कितने मार्क्स आएंगे कितने मार्क्स नहीं आएंगे। यहाँ तक कि आप तो ये भी सोच के डर रहे होगे कि मेरा फ्रेंड या मेरी फ्रेंड कहाँ 10 घंटे पढ़ रही है, मैं इतना कम पढ़ रहा हूँ इसलिए वो, मतलब आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा ये सोच रहे होंगे कि मेरा दोस्त कितना घंटा पढ़ रहा है, मुझे भी उतने घंटे पढ़ना चाहिए, मेरी फ्रेंड क्या करती है, सुबह कितने बजे उठती है, ये सब चीज़। तो आप डरना छोड़ दीजिए क्योंकि आप जो कर रहे हो उसमें बेस्ट बनाइए। यानी कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, वैसे तो 2 घंटे कोई नहीं पढ़ रहा होगा, 6 घंटे कम से कम 6 आवर तो पढ़ना ही चाहिए क्योंकि आपकी स्कूल भी बंद हो गए हैं। आपको आराम से मौका, आराम से आप घर पे रिलैक्स होके पढ़िए। डरिए मत कि इतना बाकी है इतना नहीं, जो बाकी है जो पढ़ रहे हो उस टाइम पर कम से कम उसको क्लियर करके छोड़ना। यानी कि अगर कोई टॉपिक लेके बैठे हो ये मत सोचो कि वो मेरे फ्रेंड इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, मेरे से नहीं हुआ ये नहीं। अभी उस समय आप अपना समय वेस्ट ना करके उस समय उस टॉपिक को क्या करिए, क्लियर कीजिए। जितना भी पढ़ रहे हो समझते हुए पढ़ना क्योंकि रटने से कुछ नहीं होता है, रटने से रटंत विद्या घटंत विद्या होती है। तो आप रटिएगा नहीं, समझकर अच्छे से पढ़िएगा और डरने की कोई बात नहीं है। आप पढ़े रहोगे आपको याद रहेगा, एग्ज़ाम में आते आप ज़रूर लिख पाओगे, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट गाइस कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। आई होप कि आपके बहुत अच्छे, आपने जितना सोचे उससे अच्छा परसेंटेज आए और आप अपना और अपनी फैमिली के अपने टीचर्स का नाम रोशन करें।